नमस्कार, आए हैं और दिल्ली में जो खेल का आयोजन हुआ है उसमें तमाम खिलाड़ियों ने मेडल जीत के लाया है। बिहार का मान सम्मान बढ़ाया है। हमारा मेडल काफी अच्छा था, ये नेशनल चैंपियनशिप था, सबने एक बड़े प्रदर्शन दिखाया। बहुत अच्छा लगा ये मैच, बहुत सारी काफी टफ था ये टूर्नामेंट, लेकिन तब भी हम बिहार की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। देखिए कई लड़कियां भी हैं जो आज हम लोग का टूर्नामेंट दिल्ली में हुआ था। आगे क्या प्लान है? आगे दिल्ली हम लोग जाएंगे दिसंबर में शायद AI कैफे। कैसा लगा आप लोग, कितने लोग? इसका बहुत टॉप था, बहुत टॉप था, इसीलिए कम से कम थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ा है। और एक बैच में 25 खिलाड़ी मिलते हैं सबके बीच में, लड़की लोग के बीच में, तो हम जब इतना टॉप लगा तभी हमको इतना हिम्मत नहीं आ रहा। कभी बिहार का जो गर्ल्स लोग 22 खिलाड़ी है वो सब ने बहुत अच्छी मेहनत कदम निकाली। आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान है जो राजस्थान में क्या क्या टूर्नामेंट हुआ है उसमें और अच्छे टीम बन गई। सुंदर जी कितना टफ रहा आप लोग भी गए थे, कैसा रहा ये? जी बहुत ही अच्छा रहा, बच्चों ने बहुत मेहनत किया, हर बच्चे के बाउट के अंदर में कम से कम 20 खिलाड़ी से कम किसी बच्चे के साथ नहीं रहा, जो कि एक बच्चे 6 से 7 बार खेलना पड़ गया और पूरे देश के कोने कोने से एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी आ रखते थे और बच्चे ने कड़ी मेहनत से खेले और पूरे भविष्य के लिए बच्चे और अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। साथ ही अभी सरकार से वो बच्चा है कि बच्चों को आगे बढ़ने ताकि बच्चों के अंदर सरकार कोई आर्थिक मदद नहीं कर पा रही। आज पिछले 5 से बच्चे को मेरे साथ खेल रहे हैं लेकिन आज तक आर्थिक मदद नहीं की। अब क्या हुआ? हर साल से उनको मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम भी करना पड़ता है, होता है उसके लिए खाने पीने के लिए चाहिए, किराए में व्यस्त होता है, होटल खर्चा होता है, वहाँ जाने के बाद टूर्नामेंट चार्ज लगता है, तो ये सब का खर्च बहुत ज़्यादा बाहर हो जाता है। 5 से सभी बच्चों ने लगभग खिलाड़ी हैं भले ही उन्होंने बिहार का मान सम्मान जरूर बढ़ाया है, लेकिन ये खिलाड़ियों की डिमांड है कि सरकार इनको सम्मान नहीं देती है, आर्थिक मदद नहीं देती है, इसलिए लगातार बिहार लगा है बिहार सरकार जो अब खिलाड़ियों को सम्मान दें, आर्थिक मदद दें, खिलाड़ी और बिहार का सम्मान करें।